सुनाएंगे आपको हाकिम खेत की। हाकिम खेत कौन थे? एक मेंबर थे पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, अंडरलाइन कर लो इसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PBKMS, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की कहानी है हाकिम खेत की। तो वहां पर ये वेस्ट बंगाल में क्या है, एक लेबरर्स है। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है बेटा, इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा, चलती ट्रेन से वो गिर जाता है एंड सफर्ड हेड इंजरीज, उसके हेड पे बहुत इंजरी आती है। ही वाज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। अब उसका बहुत खून बह रहा था, बहुत सीरियस कंडीशन थी, इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ही वाज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम। वो गुलगुलता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एंड दे व्हाट दे सेड, डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours. Because you can see nowadays in the news also, the people have to suffer a lot from one government hospital to another because they are shifting. So 14 hours he has to spend in a critical state and was taken to 8 different government hospitals. But none of them admitted. अब इतनी बुरी हालत थी तो अल्टीमेटली वेयर दे हैव टू गो, दे हैव टू बी एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। एवरीवन नोज इफ वी आर गोइंग टू द ट्रीटमेंट इन द एनी प्राइवेट हॉस्पिटल वी हैव टू पे अ लॉट। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स that refused to admit him. What is the use of the government hospital? In the case of Delhi, you can see people are not preferred to go to the government hospital. There must be any reason because they are not providing all the facilities as the private hospitals are giving. So Hakim Sheikh and the PBKMS, this Mazdoor Samiti, they have filed a case in the court. उन्होंने case file किया है और इसके लिए payment किससे लिए? Government से लिए। एक तो train से गिरे थे वो, और उसके बाद इतनी मजदूरी होने करने के बाद दे कैन नॉट पे दिस मच ऑफ अमाउंट एंड इट इज द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोज हैव नॉट गिवन द ट्रीटमेंट टू दीज पीपल। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल। यहाँ पर भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर अमन और रंजन दो फ्रेंड्स हैं बेटा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अमन और रंजन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, रंजन की फैमिली बहुत अच्छी है एंड अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड स्मिथ। एंड स्मिथ का मतलब होता है अपनी दो वक्त की रोटी बनाने लेने में भी उनको मेहनत करनी पड़ती है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, बहुत अच्छा लगा तुम्हें वापस देख के। आई हैड ए वायरल फीवर, अमन बता रहा है कि मुझे क्या था, वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ मी टू, अब रंजन कहते हैं मुझे भी जाना पड़ा। आई जस्ट गो गॉट बैक टू माई स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स, सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। अब अपनी जर्नी बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल गया था तो क्या हुआ था, और अमन भी बताता है मैं हॉस्पिटल गया तो क्या हुआ था। बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इन दिस स्टोरी द टू हॉस्पिटल, वन इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड वन इज द प्राइवेट हॉस्पिटल। सो लेट अस सी, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई, आई थॉट इट वॉज ए फाइव स्टार होटल। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। डैडी हैड टू पे रुपीज 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। डैडी ने कितने पेमेंट दिए, 500 रिसेप्शन पे। बिफोर वी वेंट इवन मेट द डॉक्टर देयर वॉज ए नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग। प्राइवेट हॉस्पिटल की कंडीशन यू नो बेटर, सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसी क्लीननेस होती है, कैसी फैसिलिटीज होती है और कैसे लोग बात करते हैं। सो लेट अस डिस्कस, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कहे हैं उसको। एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, द लेडी हु टुक माय ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मेनी जोक्स दैट आई हैव फॉरगॉट टू फील द पेन। अब वो लेडी दे आपको दिखा रही है नीचे, बट ले रही है ब्लड सैंपल और उससे जोक सुना रही है, उसको फील भी नहीं होता रंजन को कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। एंड After the test results came, we went back to the doctor results के बाद फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। He looked through them and said everything was fine. I only had a viral fever. कहते हैं test report देख के सब अच्छा है और इसमें सिर्फ viral fever है। He prescribed some medicines and rest. मुझे उन्होंने कुछ medicines दी और उनको rest के लिए कहा गया। And so young man, this pink pill. अब वो medicine बता रहे हैं, white वाली कब लेनी है, pink वाली कब लेनी है। Taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is syrup. Don't worry, it's tasty. Syrup दे देते हैं, tonic की तरह एक body ache के लिए दे देते हैं, 2-3 medicines दे देते हैं. And thank you doctor, I feel better already.
उसको यहाँ का ही बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अब जिसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है एंड ही वॉज वेरी 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 सफर्ड ए लॉट व्हेन दे हैव टू बी गो टू द डॉक्टर। अब यहाँ अमन बता रहा है यू सी आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको ये सब बताते हुए, बट वट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, इतना अच्छा नहीं था जितना आप बता रहे हो। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी, पहले तो अब्बा मुझे ले जाना ही नहीं चाहते थे बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, कि वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा एंड इट रियली डिड, हाँ वाकई में लगा। अमन बता रहा है वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू बी वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, हमें ओपीडी काउंटर पर बहुत लंबी क्यू देखनी पड़ी। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, मैं हर टाइम अब्बा को लगा रहा कि अब्बा प्लीज चलो यहाँ से जल्दी चलो। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 डेज, अब देखो बेटा यहाँ पे आपको आगे दिखाएंगे कैसे उनका टेस्ट लेते हैं। When our turn came, the doctor examined me and asked for blood test. Doctor ने देखा और कहा blood test करा के आओ. Then we had to go and stand in another long queue, क्योंकि वहाँ पे government में तो हर जगह line है, तो एक बहुत लंबी line में testing के लिए फिर खड़े होते हैं। People were crowding around in testing room too, और पूरा room आप देख सकते हो because all the people are coming for the blood test. We got the test result after 3 days, हमें 3 दिन के बाद result मिले. And when back to the hospital, there was a different doctor that day. Our duty change हो चुकी थी, नए डॉक्टर्स बैठे थे, show me his OPD card. अब OPD card देखते हैं, OPD card क्या होता है, जो outpatient record होता है ना डॉक्टर्स का, वहाँ पे डिपार्टमेंट में चेक करते हैं डेली बेसिस पे। एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज, अब फटाफट से टेस्ट रिजल्ट दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो तो पोलाइटली बहुत कम बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ए वायरल फीवर, वो कहते हैं उसमें शायद वायरल फीवर है, नथिंग टू वरी अबाउट, ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, ऑल द नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, एक मेडिसिन उसको दे देते हैं। My hospital was nice, but they gave me many medicines. अब नंजन को कह रहा है अमन को, मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था लेकिन उन्होंने हमें क्या दी, बहुत सारी मेडिसिन दी एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और इन सब के पैसे भी बहुत लिए। ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, अमन बताता है मेरे लिए तो कोई पैसे नहीं लगे बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एंड